उज्बेकिस्तान जैसे आपको पता है टैक्सी के पास अपने होस्ट से घर आया। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जा रहा हूँ मैं आगे और सबसे पहले तो मैंने सिम कार्ड लगाते हैं एटीएम मशीन। ये एटीएम मशीन यहाँ की, इसमें के अपना के कार्ड लगा रहा हूँ मैं, एंटर पिन। तो गाइस पहुँच गया था मैं आज सुबह 3 बजे। ये है उज्बेकिस्तान का एयरपोर्ट, छोटा सा अराइवल है। यहाँ से टैक्सी बुक करोगे तो बाहर ही आएगी। अब बुक करी है, सारी बात बताऊँगा बाद में मैं क्या क्या दिक्कत हुई है। यैंडेक्स, यैंडेक्स बुक्ड। ये भाई साहब टैक्सी ड्राइवर, इन्होंने अभी 50,000 फॉर्म में बुक किया। उज्बेकिस्तान, वेलकम टू उज्बेकिस्तान। सो गाइस बैठ गया हूं मैं टैक्सी में। व्हाट्स योर नेम? ओके, नेम किम है? अताबेक नाम है इनका। और ये बुक की है 9 किलोमीटर के लिए। होस्ट के घर जा रहा हूँ, होस्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी मेरी रिक्वेस्ट। तो हेलो, वहाँ मिलता हूँ आपको भी। दिस इज उज्बेकिस्तान गाइस। कोर्ट के पास ऐसा माहौल है, ऐसी सड़कें हैं, सोवियत के टाइम की चीजें हैं, बिल्डिंग सबको ऐसे दिख रही है। राइट साइड पे चलती हैं हमें गाड़ियां भी। कंपनी ज्यादा मिलेगी यहाँ पे, गाड़ियाँ सबके पास वही है। यहाँ पे गाड़ी को कहते हैं मशीन, जैसे रशिया में मर्सिडीज, तो भाई साहब बता रहे हैं कि ताशकंद का सिटी सेंटर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं पहुंच गया था आज सुबह उज्बेकिस्तान, जैसे आपको पता है। ये टैक्सी के पास अपने होस्ट से घर आया। तो मेरी होस्ट जो थी वो तो जा रही थी अपनी जॉब पर, और तो मैं तो सो गया था, 2 रातों से सोया नहीं था। तो शाम को आएंगे फिर बात करेंगे हम लोग। और तब से मैं अपना यहीं पर रेस्ट कर रहा था, सामान अपना ये रूम है मेरा, इसमें काउच बिछा हुआ है, काउच पे सो रहा हूँ। और एक सेपरेट रूम इनका है, जो होस्ट है उनका, और किचन में अपने बना के खा लिया था कुछ। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्टर कराना पड़ेगा मुझे भी पर डे के हिसाब से, तो वो भी करवाना है। उसका सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा मैं। एयरपोर्ट से निकलोगे तो टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, 10 गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मुझे 11,000 सोम ही पड़ रहा था, यैंडेक्स टैक्सी में। उसके बाद इसने उन्होंने कहा कि 1,10,000 चाहिए, और फिर करते करते 50,000 रुपये में आ गया ये। तो मैंने कहा 9 किलोमीटर की 50,000 सौंप दिए मैंने। दूसरा एक चीज़ और दिक्कत हुई कि यैंडेक्स टैक्सी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यैंडेक्स टैक्सी से ये कर सकते हैं आप। तो स्टार्टिंग में तो ठीक था वो, दोबारा मैं बुक करने वाला था क्योंकि इंटरनेट गायब हो गया था वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट से दूर चला गया था मैं। एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो इंटरनेट चला ही जाएगा, वाईफाई जो लिया रखा आपने। बड़ी दिक्कत होती है अगर आपके पास सिम नहीं है,
और लोकल करेंसी तो मैंने अब वहाँ से ले ली थी। स्टार्टिंग में थोड़े निकाले थे, 2 लाख फॉर्म, आगे निकालूँ सिटी सेंटर से और ज़्यादा। और इमिग्रेशन में मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, पूछा कहाँ से आए हो क्या करने आए, बस फटाफट टप्पा लगा दिया। इंडिया में जो इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग पास देते हुए जो ड्रामे हुए, वो तो बहुत ही अति के ड्रामे थे, मतलब वहाँ ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद और जगह तो कोई ना, दुबई में, ना दुबई में कुछ हुआ, ना सेम PNR है, ट्रांसिटिंग कर रहे हो तो आप 24 घंटे से कम तो आपको ट्रांसिट वीज़ा नहीं चाहिए, आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते अगर ट्रांसिट वीज़ा नहीं है तो। और अगर एयरपोर्ट छोड़ते हो तो आपको फिर दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। कि तो बहुत बढ़िया था, स्मूथ था दुबई में भी और वहाँ भी। इंडिया में दिक्कत हुई, मतलब कमाल की बात तो यह है, वो तो मुझसे ये बंदा पूछ रहा है कि आप, हमारा पहला वीज़ा था रशिया का, वो कैसे लग गया बताओ, पेट में दर्द किस बात का है कि मेरा पहला वीज़ा कैसे लग गया आसानी से। मतलब आप ये समझ लो कि इतनी मेंटेलिटी हो गई है कि किसी का अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो आप लोग वीज़ा नहीं लगवा सकते, मतलब आप लोग कहीं जा नहीं सकते, ये है वहाँ की सोच। यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं ना बोर्डिंग पास देने वाले, वो सोचते हैं अगर ये कभी तो आपका हर इंसान का पासपोर्ट फ्रेश ही होगा, कभी तो बंदा पहला वीज़ा लगाएगा ही लगाएगा, कभी तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करे। तो दोस्तों मैंने आज एयरपोर्ट से ही निकाले, तो वहाँ पे करेंसी कम थी, 3 लाख के तो भी नहीं निकल रहे थे पैसे, करेंसी कैश कम था तो 2 लाख निकले। फिर 2 लाख में से 50,000 मैंने दे दिए टैक्सी ड्राइवर को। 1 लाख के 2 नोट निकले थे, ये 1 लाख का नोट है और ये 50,000 का नोट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। जा रहा हूँ मैं आगे अब सिटी एक्सप्लोर करने, और सबसे पहले तो मैंने सिम कार्ड परचेस करना है तो वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने मैप पे डाल दिया है, यहाँ से 2 किलोमीटर। ठंड की बात करी जाए तो यहाँ पे अभी 17-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैंने अभी एक ये स्वेटशर्ट डाल दिया गर्म, और धूप हो रही है तो मुझे तो जैसे चलते चलते गर्मी भी लग रही है हल्की सी, पर अभी रात को और सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो आज एक्सप्लोर करने निकला हूँ, और मे बी मैं कल जा रहा हूँ कजाकिस्तान। पहले कुछ रीजंस हैं, बताऊंगा क्यों पहले कजाकिस्तान क्यों जा रहा हूँ, अभी यही प्लान ले रहा हूँ। बाकी अभी सिम कार्ड लेता हूँ और रात तक और सोचता हूँ कजाकिस्तान जाया जाए या यहीं एक्सप्लोर किया जाए। कुछ कजाकिस्तान में ठंड भी हो रही है ज़्यादा, यहाँ ऐसा ट्रैफिक चल रहा है देखो रोड पे, और राइट साइड चलना पड़ता है, हमारे वहाँ पे लेफ्ट साइड चलते हैं, और ऑफिस टाइम हो गया है, और होस्ट मेरी आना नहीं चाहती, उनकी हर एक की प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है, वो लोग में आने कैमरे में आने में कंफर्टेबल नहीं। तो ये है पहला व्यू उज़्बेकिस्तान का, वाह ये कोई नहर है। लैंड रोवर बॉर्डर क्रॉसिंग की सोच रहा हूँ मैं कजाकिस्तान जाने की, अब देखते हैं, वो मैं आपको सारा अपडेट करूँगा आगे आने वाले टाइम में जैसा भी होगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं बिना सिम कार्ड के चल रहा हूँ, GPS काम करेगा नहीं करेगा, मैंने बट लोकेशन डाल दी थी। तो भाई यहाँ पर चलने के लिए आपको ऐसे पेडेस्ट्रियन मतलब मींस सर्विस लेन टाइप बना रखी है यहाँ पे इन्होंने, पैदल चलने वालों का रास्ता, और ये पार्क जैसा है। मेन रोड में मना है चलना, वैसे पकड़ा जाए तो फिर दिक्कत है, रोड पर बहुत तेज़ गाड़ियाँ आती हैं, रिस्की भी है अगर आप वहाँ चल रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना आपने। हमारे इंडिया में तो कहीं पर भी चल लेते हैं ना लोग, और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रूल फॉलो कर रहे हैं लोग। वैसे भी यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो रशिया जैसी पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ लोग बहुत कम है, सफाई इसलिए ज़्यादा ही लग रही है। जा रहा हूँ अभी सबसे पहले सिम कार्ड परचेज करने यूज सेल का, और एयरपोर्ट पे मुझे मिल रहा था बी लाइन का सिम कार्ड, एयरपोर्ट पे वो डबल रेट पे दे रहा था $8 में 8 GB इंटरनेट। इंडिया ऐसा नहीं मिलता, यहाँ पे एक पर डे आपको 1 GB 2 GB मिल गया, रशिया में तो फिर भी थोड़ा सा चीप है, यहाँ पर अभी नहीं है। क्योंकि मेरी होस्ट से बात हुई थी, वो कह रही थी कि उज़्बेकिस्तान इज डेवलपिंग प्लान्स, आपको महंगा ही मिलेगा, टूरिस्ट के लिए सिम कार्ड अलग से होता है, वो जाके सारा बताता हूँ। और भी जो बताता है वो टेलीकॉम शॉप वाला, जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो आपको सारी शेयर करूँगा, क्योंकि आप जब आओगे यहाँ पे सबसे पहले सिम कार्ड लेना सबसे बड़ी नेसेसरी चीज़ है। यहाँ का नज़ारा देखो कितनी सफाई है, और यहाँ भी वही सीधा गाड़ी रुक जाती है अगर आप पैदल चलने वाले पैदल चल जाए तो। तो पहुँच गया मैं यूसेल के ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस लग रहा है यूसेल का ये, और यहाँ से रह के जाके देखते हैं सिम कार्ड है घर का। न्यू सिम
तो ये यहाँ से टोकन निकलता है, आप यहाँ से यहाँ पे काउंटर पे नंबर टोकन का नंबर आता है, फिर सिम कार्ड से देखते हैं क्या प्लान है। व्लॉग है, व्लॉग है, प्लान है तो ऐसा मैंने पे किया है तो ये मैंने सिम लिया है 1 महीने के लिए। ओके तो ये मिल गया यूसेल का सिम कार्ड एक्टिवेटेड है। हाँ सो गाइस हो गया है, सिम कार्ड परचेज कर लिया है मैंने और 10 GB मिल रहा था मुझे, का प्लान मिल रहा था 1 महीने के लिए जो था 30,000 सोम में, सस्ता है स्कीम चल रही थी पहले 3 महीने 30,000 सोम 30,000 सोम समझ लो आप 300 वैसे ठीक है, लेकिन 10 GB कुछ भी नहीं है हमारे लिए क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं मुझे और जहाँ कभी मैं रहा जैसे कल मैं जिस होस्ट कर रहा हूँ उसका वाईफाई बहुत स्लो था तो मैंने सोचा फिर अनलिमिटेड वाला ले लेता हूँ। हालांकि मुझे नुकसान तो ये है कि मुझे 15 दिन तो मुझे रहना है कज़ाकिस्तान में 14 दिन के लिए, उसके जाऊँगा और मेरे 14 दिन तो वेस्ट जाएंगे, पर कि ऐसा है कि रास्ते में कभी भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ जाए कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ जाए तो 10 GB तो यूँ खर्च हो जाएगा पता नहीं लगेगा। तो बाकी आने वाले जो रिमेनिंग डे है उसके बाद यहाँ पर जब आऊँगा मेरा 30 दिन का जो उसके लिए मैं मेरे 15 दिन तो चले जाएंगे बट अनलिमिटेड डाटा यूज़ करूँगा मैं जब जितना भी कहीं भी अपलोड करना पड़ा वीडियो मुझे तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने वो कर लिया। उसका मुझे प्राइस पड़ा है 1,13,100 और टैक्स कटा है उसमें जो मैंने बाकी कार्ड से पेमेंट करी 1,600 सोम टैक्स कटा था तो मतलब 1,14,100 का पड़ा मुझे, तो जो होता है लगभग 1,000 रुपये के आसपास होता है मेरे ख्याल से, तो $11 के आसपास लगेगा। ये एक्सपेंसिव है पर टेंशन फ्री होके मैं चलूँगा, मुझे कहीं भी स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सोचूंगा नहीं यार। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहीं से परचेज़ करें, यूसेल के ही कस्टमर केयर था, अगर दुकान से आप रिटेल शॉप से लोगे तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली लग सकता है। और यही 10 GB वाला मुझे कल ये दे रहे थे 30,000 सोम में और वो दे रहा था मतलब 30,000 सोम समझ लो मेरे ख्याल से $2.5 और वो दे रहा था एयरपोर्ट पर $8, कितना फ़र्क है। फिर मेरी होस्ट ने मुझे रिकमेंड किया यहीं से लो तो, और यूसेल बेस्ट है, बी लाइन भी अच्छा है पर वो कहते हैं बी लाइन जो है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा चलता है ऑफ अनदर रूरल एरिया में नहीं चलता, तो इसलिए मैंने यूसेल लिया, लोगों से पूछा था यूसेल भी ओके है तो अच्छा है ले लिया अनलिमिटेड वाला टेंशन फ्री होके। अदरवाइज़ ये लगता है कि 10 GB अगर कितना खर्च हो गया, अब जैसे हम ट्रैवलर को तो कहीं भी फंस सकते हैं हम लोग, इंटरनेट अगर 10 GB यूँ उड़ जाए तो फिर क्या ही करोगे। सबसे बड़ा हमारा जो ट्रैवलर का जो दोस्त होता है ना वो इंटरनेट ही होता है। चलो मैं चलता हूँ आगे बाजार दिखाता हूँ आपको और एक सिटी एक्सप्लोर करता हूँ। ये था सिम कार्ड का एक्सपीरियंस, अच्छा लगा तो बताना और अगर आप आओगे तो आपको ये आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैल्यूएबल लगेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग। थोड़ा सा यहाँ पे आपको फील आएगी सोवियत की, मतलब रशिया जैसा ही लगेगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि 30 साल ही हुए सोवियत टूटे हुए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रशिया का ही है, यहाँ पर बेसिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं रशिया के ही, बाद में जब ये अलग हुआ तो उसके बाद कुछ रूल्स अलग हुए चेंज हुए और अभी वही है। रोड बिल्डिंग्स पुरानी जो नई बन रही है वो अलग है पर पुरानी वैसी है। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ट्रैवल ब्लॉगर ऑन यूट्यूबर। ग्रेट So this one? Yes. Should I go there also with you? Yes. Okay. Me should have. So ये है कैसीनो हो गया और मैं जा रहा हूँ, ये बैंक जा रही है, मैं अपना जा रहा हूँ स्क्वायर। Let's go. Yeah, sure. Let's go. Yeah. You are basically from Uzbekistan? Yes. Okay. From here. From here? Yes. दे आप बहुत आर वेरी फ्रेंडली, और अगर मैंने बात कर ली है कि आने वाले टाइम में शायद दोबारा से हम मिलेंगे वापस कजाकिस्तान से वापस आए अगर उनके पास टाइम हुआ, कहते हाँ वाई नॉट वी कैन गो ट्रैवल टुगेदर, साथ में अगर हुआ तो घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा एक आध दिन और उसके बाद से मैं आगे निकलूँगा। ठीक है तो चलते हैं फिर आगे। ओके